क्या बताएं, बहुत परेशानी में है। 12 साल के बाद तो हमारी पत्नी को लड़का हुआ और लड़का पैदा होते ही संग हमारी पत्नी स्वर्ग सुधार गई। अब लड़का हमारा जवान हो गया है, बार बार शादी के लिए कहता है, कोई रिश्ते ही नहीं आता है, कोई बातें नहीं होती और कोई बातें नहीं हो पाती, क्या से क्या कुछ समझ में नहीं आता। पप्पा बेटा ब्याह ब्याह? हाँ किसका ब्याह? सब हमारे साथ के लोगों ने शादी कर ली है, अभी हमारे नंबर नहीं आया। पप्पा हाँ बच्चा, ब्याह कराओ नहीं तो हमारा काम चलाओ। बेटा मैं तो खुद ही सोच रहा था हाँ कि जो तू कह रहा है वो मैं कहूँ। पापा ब्याह? हाँ हाँ, अरे तो ब्याह कोई ऐसा है कि दाल भात फौरन खा लोगे? तुमने कहा कर ली थी? हमने कर ली, धोखे से हो गया। तो हम धोखे से किधर कर देंगे? बैठ। बेटा ब्याह के लिए कम से कम एक लड़की की जरूरत होती है। पापा जब हम छोटे थे तो तुम गोदी में खिलाते थे। बेटा जब तू छोटा था हाँ? जब हम गोदी में खिलाते थे। हाँ, तो अभी तो इतना बड़ा है ना, अब बढ़ गया है तो अब पीछे खिलाओ। हाला पागल हुआ जा रहा है, शादी की वजह से पागल हो जाएगा ये है? और आदत वही बचपने की है। पापा पीछे से खिलाओ आगे से खिलाओ। पापा हम करासे हैं है? करासे हैं। करासे? हाँ। अभी करासे क्या है? ब्याह। अच्छा ब्याह करासे हो। हाँ यार ये तो हम सब पप्पा करवाओ ना। क्या करवाएं? ब्याह। हाँ ब्याह करवाएं। आप ही करवा लो। अरे कोई लड़की तो मिले ना? लड़की मिले तो पप्पा वो तो मिलेगा। क्या हमारे खानदान का नाम डुबा देगा क्या? तो क्या खानदान लड़ुआ बिक जाएगा का? नहीं नहीं बेटा, हम कोशिश कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए भी कोशिश कर रहे हैं और हो सका तो हम भी अपने लिए। पप्पा जहाँ तुमने ताला खोला है वहाँ तो तमाम है। हाँ बेटा एक है जो हमने तड़के रखी है। अच्छा। हाँ जब भी हम जाते हैं चेक करने के लिए कारखाने में हाँ नीचे, तो वहाँ हम देखते हैं कि हमारा भी इंतजाम है। पप्पा हाँ। और जो चिड़ी मार मोहल्ला में वो? अरे वो तो किसी और के पास चली गई, उसकी छोड़ो। अब तो राहत हो गई है। बेटा अब फिलहाल तुम्हारी शादी की बात हो रही है, उसी की चर्चा करनी है हमें। हमने सुना है कि कल्याणपुर में एक लड़की है। हाँ पप्पा कल्याण ही नहीं, परेशान ना हो। नहीं कल्याण जाएगी तो वो तुम देखोगे ना, हमें क्या करना है बेटा, हम तो अब बुढ़ापा हमारा आ गया, तो वहाँ एक लड़की है, हम सोच रहे हैं कि अब सोच रहे ब्याह कराओ। अरे बात सुन, ब्याह कराओ। अरे हम ब्याह कराओ। अरे भले, अबे पागल हो गया क्या? अबे ब्याह ऐसा जो फॉर्म ब्याह हो जाएगा, हम जाएंगे, उसकी उसके जो बाप हैं वो खत्म हो गए, उसकी माँ जिंदा है, तो अम्मा से कराओ। कब? अबे अम्मा से तो हम खुद करने के लिए हैं। पप्पा बुढ़ापा होगा तुम्हारा और तुम्हारी दुकान में कुछ बचा भी है? अबे जब से हमने मिलिट्री छोड़ी है, जब से रिटायर हुए हैं हाँ। जब से हमने औरत देखी कहाँ है, तो मैंने नसीब में भी नहीं है। हमें औरत नहीं मिलेगी तो तुम्हें भी नहीं मिलेगी, फिर तो हम तो तुमसे काम निकाल लेंगे। तब एक लड़का हुआ साला 12 साल के बाद में, वो भी आधा पागल हुआ है बिल्कुल। ओहो, अरे बेटा क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है? अब कराओ जल्दी से। हाँ करा रहे हैं, तो बेटा मैं जा रहा हूँ। जाओ। पप्पा उतारे हैं क्या पैंट? क्यों करेंगे? क्या करेगा? आओ पैंट उतार के आओ करेगा। लो अबे पैंट जब उतारना, जब शादी हो जाए। अच्छा? जब दुल्हन घर में आ जाए, जब तुम्हारी सुहागरात होगी। तो कब होगी? जब शादी हो जाएगी। तो शादी कब होगी? जब हम लड़की वाले से बात करेंगे। तो कब जाओगे तुम? जा रहे हैं? जाओ ना। पागल है बिल्कुल यार, तुम घर में रहना, नहा धो के तैयार रहना। धो लें? नहाना और धोना। अच्छा अच्छा समझे, हम जा रहे हैं कुछ बात करने के लिए। साबुन ला दो। साबुन नहीं है ना? देखना वो लाओ जिससे ये खोपड़ी साफ हो जाए।
चमकने लगे। वो कौन साबुन है? मुझे क्या मालूम, मैंने कभी वो साबुन इस्तेमाल ही नहीं किया। भैया वो कौन साबुन है जो आप लगाए ऊपर? कौन बताएगा? वो भाई साहब देखो। कौन सा भाई साहब? वो सामने खड़े हैं। हमारे घर में कौन से भाई साहब आ गए? दरवाजे के पास खड़े हैं। अच्छा अच्छा, बाद में बात कर लेंगे उनसे, मुझे जाने दो हैं। और सुनो हाँ। मैं शुभ काम से जा रहा हूँ, कोई अनर्थ मत करना, बता दिया है? छींकना इकना नहीं। हाँ नमस्ते, आप कौन हैं? मैं यही, मुझे पता चला था कि आपके घर में कोई आपकी बेटी है। हाँ है। लोगों ने बताया कि जो आपके पति थे वो, बड़ा सुन के दुख हुआ। जी। कितने साल हो गए? कम से कम 6 साल। 6 साल हो गए। आपके पति का नाम? अरे अब नाम ना पूछो। हाँ दुख होता है, दुख होता है, लेकिन आपको बहुत कम उम्र में छोड़ के चले गए वो। क्या बता मैं, जो पर वाले को मंजूर था। हाँ भाई, ऐसा है ना कि जो सामने के पाप होते हैं वो सामने ही आ जाते हैं। जी जी, इसलिए वो चले गए। हाँ हाँ। खैर, आपकी एक बेटी है। जी। और आप भी ठीक हैं? मतलब कहने का ये है कि आप भी सेहत में टनाटन हैं, बिल्कुल फिट हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इधर आइए, आपसे जरा कुछ गुफ्तगू करनी है। इधर आइए। क्या दूर से नहीं बता सकते हैं? नहीं नहीं, बात है बेटी के रिश्ते की बात है भाई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और कुछ माल की बात है तो ऐसा अच्छा नहीं लगता दूसरे लोग सुन। तो हम ये चाहते थे कि आपकी जो बेटी है और हमारे घर में एक हमारा नालायक बेटा है। नालायक? अरे आप बहुत उद्यमी हैं, बहुत शरारती है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि वो शादी वादी होने के बाद में वो सब सही हो जाएगा जो कुछ भी है। तो हम ये चाहते थे कि आपकी बेटी और हमारे बेटे का शादी हो जाए, तो आपको ये रिश्ता अगर मंजूर हो तो फिर सब कुछ सही हो जाए। उसके बाद हमारा आपका तो मिलना जुलना लगा रहेगा, जैसे भी होगा। आप अगर हाँ कहें तो बताएं। आपका लड़का कैसा है? लड़के की बात तो ये है कि लड़के को आप देख लीजिए, मुझे देख लीजिए आप, और लड़कों को देख लो, जैसे मेरे हाथ पैर हैं वैसे ही लड़के के हाथ पैर हैं। अगर आपको कोई शक हो तो मैं आज रात रुक जाता हूँ यहाँ पर। क्यों? मैं, आप देख लीजिएगा जैसा भी जो कुछ है। ये बताइए आपको यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? मैं आपको समझा दूंगा पूरी तरीके से। मतलब रात में आप हमें समझाएंगे? नहीं, आप मुझे गलत मत समझिए, मेरी भी औरत को मरे हुए 20 साल हो गई। अरे हाँ, और जब से मैंने दूसरी शादी नहीं कही। हाँ, मेरी औरत का नाम रानी था। हाँ, अब बहुत भली औरत थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसी औरत मिल जाए जैसे रानी थी, वैसे ही मिल जाए कोई औरत, समझे? तो आपका क्या ख्याल है, पहले उनका हो जाए? इत्तेफाक से मेरा भी नाम रानी है। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये बात नहीं, ये बात तो ठीक है। तो ऐसा है कि लड़के का हो जाए और हम तुम तो फिर गार्डन में आना जाना, बातचीत तो फिर चालू हो जाएगी। नहीं, गार्डन में है, जैसे बाबू परवा में जो वो बना हुआ है पार्क बना हुआ है, वहाँ भी मिल सकते हैं। हाँ जी, किदवई नगर चौराहे पे मिल सकते हैं, कल्याणपुर में मिल सकते हैं। आपके इरादे कुछ नेक नहीं दिख रहे हैं। आप मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है, कसम भगवान की। मैं आपकी सूरत में उसी रानी को देखता हूँ
जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, तो कि मतलब आप उनको नहीं भूले। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए शायद उसकी आत्मा आपकी आत्मा के अंदर घुस गई है। हुँ? हाँ, इसीलिए आप मुझे अच्छी लग रही हैं। अच्छा, आप उनको नहीं भूले ना? हम तो उनको भूल चुके हैं। अरे आप उनको भूल जाइए, उस पर तो लानत मारी है जो गया। आप जो का जो आदमी था वो तो उस पर तो लानत मारी है आप। वो तो आप मुझे चिंता अपनी और आप बच्चे के लिए रहती है। नहीं, आप इससे बेफिक्र नहीं, मैं आपको नया मकान बनवा के दूंगा। आप इससे बेफिक्र रहिए, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। जरा बस जरा लड़के का हो जाए, क्योंकि लड़का साला हमारा पागल है, कहीं ये ना समझ ले कि लो पापा ने अपना भी ठिकाना बना लिया। उसके बाद में तो हम तुम चलेंगे कहीं और। अब इतनी ज़िंदगी तुमने जलालत में गुजार दी उस आदमी के साथ में, अब मेरे साथ में रहो, मैं तुम्हें बड़ी इज्जत के साथ में रखूँगा। हाँ, कसम भगवान की। तो पहले बिटिया के हाँ शादी, और दहेज वहेज की आप चिंता मत कीजिए, सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कुछ है नहीं, देंगे कहाँ? नहीं देने, मुझे लेना भी, मुझे तो सिर्फ आपसे लेना है, बस दहेज नहीं लेना है। क्या लेना? जो कुछ भी आशीर्वाद है या बच्चों को आशीर्वाद देंगी आप, तो वही लेना है मुझे आपसे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। हाँ, तो जाए फिर। बिल्कुल, देखिए मैंने जो प्रस्ताव रखा है अपना, उसको भूल मत जाइए। नहीं बिल्कुल नहीं भूल, ऐसे लोगों को हम कभी नहीं भूलते। जी जी, ओ पहले आदमी पे तो आप लाने भेज दीजिए। जी 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 जी। अच्छा, मैं बारात लेके 30 तारीख को आता हूँ। ठीक ठीक, कै बजे आएंगे? 30 तारीख को करीब 10 बजे आ जाता हूँ। ठीक ठीक, वही दिन शुभ है। जी 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 जी, आप बिल्कुल, लड़की की शादी हो जाए तो फिर तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए। हाँ आराम से। हाँ, अरे रंपत रंपत बप्पा। अरे वाह, कर दे। अरे वाह बेटा वाह, मैं इधर शादी पक्की करके आया हूँ। हाँ। तू तैयार भी हो गया? हम ससना रहे हैं। अरे वाह बेटा वाह, वाह मेरे लाल बप्पा। अरे वाह मेरा पूत, तेरी कोई बात नहीं बप्पा। हाँ घुमाओ। क्यों हम चले बे? क्या हम गधे हैं क्या? तो दूल्हा बने काहे चल बे? तेरे लिए हम घोड़ा है वहाँ पर है। घोड़ा नहीं, घोड़ी लाओ। अरे घोड़ी पे बैठना तुम? अबे हमारी लड़के की शादी है। पापा तभी घूम जाना, 5 मिनट की तो बात है। मैं 5 मिनट में घर नहीं पहुंचा, कल्याणपुर बहुत दूर है। अच्छा चल। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। महतारी से लगा जा रहा है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। अपना कहा हो
ये कहाँ थे बप्पा की शादी है, ये केकरी शादी में आवा है। लड़का खुशी में भूल गया है कि आज उसी की शादी है। कहीं जयमाल महतारी के न डाल दे, ध्यान रखे हो। बप्पा, 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 तनख्वाह मिली? तनख्वाह मिली, तुम्हारी अम्मा लेके चली गई। 300 रुपया तो मिलता तुमको, तो 3 पे तो तुम पैदा हुए हो। अब तालों नहीं बना पाओगे, हम बता दिया। अरे ताला, हम बता दिया। अब तुम ताला खोलोगे? अब लीवर नहीं खोल पाओगे। अरे कुछ कुछ गाने बजाने का भी कुछ इंतजाम है, प्रोग्राम है कुछ या ऐसे? अरे चच्चा, हम आए काहे के लिए, नचो फिर हम निकले यहाँ से। क्या कहा चच्चा? बाप बच्चा इधर आ। पहले कभी नहीं देखा तुमको, हमको भुलाया गया। अबे रंपत, तेरा बाप छिल रहा है कहीं तेरी। बप्पा, बप्पा, क्या बप्पा, ना लाइकी ना करो। क्या है, हमें गुस्सा आ रही है। अरे बेटे, गाने वाली को बुलवाया हमने, गाने वाली को बुलवाया है। हाँ, वो चाहे कह रहे चच्चा असल्ला बरिया रहे। अरे हम उसको समझा रहे कौन सा गाना गाना है। पहले कभी नहीं देखा तुमको। चच्चा बाप में कोई अंतर नहीं, खाली मूछों का अंतर है। मूछे हम उड़वा देंगे, हम तुमसे शादी करेंगे, हमारा ब्याह तुमसे ही होगा। अबे तुम्हारी अम्मा है, तो वो सास है। वो क्या सास रुकी थी? तुम्हारी अम्मा है। अच्छा, अम्मा है आपकी। गाना शुरू हो जाए। इनका कहो नाचे गावे बारात का मन खुश कर। सुनिए, बताइए। नाच गाना तो बाद में भी होता रहेगा, पहले जयमाल हो जाए। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद में नाच गाना। हाँ, हाँ। उसके बाद में खाना पीना। ठीक, लड़का हमारा बहुत टनटना रहा है। खाना बाद में। हाँ। कराओ। हट, हो रहा है। अरे सहेली लोग दुल्हन को ले आओ। चलिए शहनाई बजाइए, शहनाइयां बजाइए। मेरी शादी करवा रहा है, तेरी शादी है। पप्पा, केके डाले। अबे वो सामने जो लड़की खड़ी है ना, उसके माला डाल दे, वो तेरे डाल देगी। मैं उसके बाद में हूँ। हम नहीं डलवाएंगे। अबे ये ऐसी रसम है। अच्छा, रसम है। हाँ। बेटा, मुंह सुहागरात को देखा जाता है। पप्पा, बहुत नीक है। हाँ, बहुत नीक है। मुंह मत देखे, मुंह सुहागरात को देखना। तो कहा देखा है? अभी खाली माला डाल दे। माँ का लौंडा मार। अबे उल्लू का फट्टे माला डाल। बाल कमाल कई बरसन का छूटा है, यही मारे पता नहीं केकरे केकरे चक्कर भला। देख लियो, जैसे बाप वैसे बेटवा, सब वैसे ही। हमसे कह रहे बाद में हमारे तुम्हारे हिसाब हुई। काम करे हो, ध्यान रखे हो, धार दार तैयार। चुप्पा बैठो, समझ में आवा? समझ गए। सुना क्या कह रहा है? कह रहा है
बाप सही है और लड़का भी सही है। इसकी बातों में रहा ना। हाँ हाँ, ये ऐसा ही है, ये धंधा करने वाला आदमी है। अच्छा, हम बता दे रहे हैं। आप धंधा करते हैं? इनसे पूछो हम, आप धंधा काहे का है? अरे वो दुकान जो चलाते हैं आप। कौन सी दुकान चलावते हैं? किसके मुंह लग रहा? घसियारी मंडी से आया है? चमड़े क्यों दिमाग खराब किए? चमड़े की दुकान है ना? कपड़े ये लत्ते सब सारे किराए के पड़े। अरे वो पीछे वाली पप्पा तुम लड़ रहे होगा। अरे बात कर रहे हैं, वो पीछे वाली दुकान चलाते हैं। हमारा मौसम बन रहा है, मौसम घर बनाना था, ये बता दे रहे हैं तुमको। और उससे पहले अगर तुमने मौसम बनाया तो हमारा मौसम बिगाड़ देंगे। नहीं बैठा लो तो खड़े हैं। हाँ बैठ। तुझे साले बिठाल के भी हम वो तुझे साले हमने पैदा करके बहुत बड़ी गलती करी है। इनसे कहा ये बैठा ले। ये को बैठा ले, तुम्हारी अम्मा है ये। अब बताओ अम्मा का पकड़े, तेरा अम्मा पकड़े वो भौजी। अरे अरे सॉरी सॉरी, बात ये है कि गाने जल्दी शुरू करो। अरे दूसरी बारात में भी नाचना है भाई। चालू चालू जाओ। देख मेरी मस्त जवानी आँख तू यो नमा, देख मेरे गुलाबी का शर्म से हो गए हैला। ओ मेरे सैया ओ मेरे राजा पास मेरे तू ना, देख मेरे मस्त जवानी में लगी है रेशम की डोरी। नया है लहंगा नई है चोली, इसमें लगी है रेशम की डोरी। गोरी गोरी मारी है भैया, छोड़ कैसा ये जग मुझ पे है छाया, तेरी बातों पे प्यार आया। ओ मेरे सैया ओ मेरे राजा पास मेरे तू ना, देख मेरे मस्त जवानी आँख तू यू ना देखे तुमका हाय बलमा, सब रोकेंगे हमका। क्या बात है पार्टी जम रही है। देखे तुमका हाय बलमा, सब रोकेंगे हमका। कैसे बचाओ पाली उमरिया, उड़े है सब में ये खबरिया। तेरा ये आदू जो मैंने देखा, नशा ये कैसा हो गया। तेरी आंखों में जो मैंने देखा, नशा ये कैसा हो गया। ओ मोरे सैया ओ मोरे बलमा, पास मेरे तू ना, देख मेरी मस्त जवानी अपने तू ना माँ, देखे मेरी मस्त जवानी। बंद करो बंद करो, लौंडा पागल आ गया है भैया। क्या हो गया बेटा? पागल हो गया। क्या हो गया? हमार मेरिया अयो साथ नाच रहा यो। अरे ये नाच रहे हैं बेटा, ये हमार भाभी आए। भाभी है तो अरे सारे पनाह मारे जूते जूते। अरे बेटा अगर नाराज ना हो, अरे हम नाचे खाली
तुम ना चलो इन्हीं के साथ, ना चलो इन्हीं के साथ ब्याह करा नहीं। ये दूल्हा तो सार सबका समेटे ले रहा है, बड़े लबड़े इच्छा हो। पहनाओ फिर से पहनाओ। दूल्हे के साथ साथ सारे बाराती लबड़े हैं। ले हम निकले, हमारे मेहरारू को छोड़ना। पैसे तो लेती जाओ। लाओ। चलो भाई, विदाई। जो जो नाचा था सब देंगे, हम सबसे लेंगे। इन सब के बदले हम दे रहे हैं, हमारे लड़के की शादी है। आप अकेले देंगे? हाँ। नाचे तो सब हैं, हम सबसे लेंगे। कोई बात नहीं, इन सब के बदले का हम दे रहे हैं। अकेले? हुँ? कुछ है नहीं देने के लिए तुम लोग के पास? अरे लो लो, वाह वाह, बस इस पे तो एक चीज बनती है। हाँ हाँ बिल्कुल बनाओ। थैंक यू। हमसे भी ले लो। ले, अबे पंडित पंडित अरे बैजी, सब दवा फैल जाएगी तुम्हारी। तुम वैद हो? बताओ वैद हो यहाँ। हाँ बड़े भैया, हमारी जरूरत वैद खाना फैला फैला घूम ही बता दिया। हमारा दिमाग खराब हो रहा है। सारे बारात में आए हो कि मेहरियाबाजी करने आए? हम समझा रहे हैं। दावत का है दिन तुम्हारे बाप ने हमका? पापा तुम्हारा कम नहीं हम। आज बेटा खुशी का दिन है। खुशी है आज बेटा, 20 साल के बाद तुम्हारी अम्मा की याद आई। यही अम्मा मिली है? अच्छा भाई, विदाई विदाई का इंतजाम किया जाए। चलो विदाई के लिए तैयार हो, गाड़ी लगा दी है। ओम जय जगदीश। ये विदाई है? आरती का समय हो गया। अबे एक से एक पागल भरे हुए। खुशी खुशी कर दो विदा, कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी, सपनों का राजा मिला, महलों का राजा मिला, तुम्हारी बेटी राज करेगी। हंसी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। तुम्हारी शादी हो गई? हो गई ना? तुम्हारा तो काम हो गया। बात सुनो, अब हम जो करें हमका छोड़ दो, हम फ्री हैं। फ्री हो? हाँ। अब तुम ऐसा करो, पहले घर चलते हैं। पप्पा अब तुम फ्री हो गए? हाँ। तो सफेद कपड़ा 5 मीटर ले आवें। 5 मीटर ला के क्या करोगे बेटा? तुम तो, हम तो हिंदू हैं, हमें तो लाल चाहिए। तुम सफेद में मारोगे? हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सफेद लगता है। अच्छा, वो क्या ऊपर रंगीन डलवा देगी? तो तुम्हारे ऊपर रंगीन डलवा देंगे बेटा। हाँ। क्या बात कर रहे मेरे लाल, आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है, सुहाग रात है तुम्हारी। भैया भगवान का लाख लाख शुक्र है, क्या हमारे बिटवा की शादी हो गई। अब हम अपने फर्ज से उद्धार हो गए बिल्कुल। रंपट अभी कहा उद्धार भाई हो? अभी तो बेटा तुम ऐसे कैसे हो गए? कहा करे, देखो तुम्हारी शक्ल ऐसे हो रही है। शक्ल कैसी हुई? जैसे उजड़ी हुई आत्मा। तो जब अभी आत्मा तृप्त नहीं हुई तो कहा होगा? नहीं बेटा, मैं वही तो बता रहा था। हाँ। आज तुम्हारी सुहाग रात है बेटा। सुहाग रात? हाँ। क्या होता उसमें बेटा? मैं कैसे बताऊं क्या होता है पप्पा? हाँ। एक दफा करके बताओ कि सुहाग रात क्या होता है, हम सब सीख जाएंगे। बड़ा नालायक बच्चा पैदा, बेटा पैदा किया मैंने, सारा मुझसे ही पूछ रहा है कि सुहाग रात कैसे। बेटा सुहाग रात होती है। पप्पा तुमने की थी? हाँ हमने भी की थी। के साथ? तुम्हारी अम्मा के साथ। अम्मा तो हमारी है नहीं, तो हम कहा करें पप्पा बताओ।
कैसे बताएं, कैसे बताएं? तुम्हें का करना पड़ता है तो बताओ। बहुरिया तेरा इंतजार कर रही है, देखो पहले जाना जाके और... पैर छू ले। पैर छूएगा? पहले अंदर जाना और धीरे से उसका घूंघट उठाना है। अच्छा है? मैं समझाऊं? चलो भेजो भैया, मैं समझाऊंगा। समझाओ। ओफो, क्या कायदे से काम करे, जाऊं हम कहां है तो मना ना करे। क्या बताएं, बड़े परेशान है। क्या लड़की भी ऐसी है क्या? लड़का ससुरा हमारा पागल है बिल्कुल। सुखी रहो, सुखी रहो, पुत्र मतु हो। अच्छा हम हो कर ले। हट, हमको बात करने थे बहुरिया से। बहू, थोड़ा दिमाग का पगलेट है ये, इसकी बात का बुरा मत मानना तुम। कई बार ऐसा भी हो चुका है कि ये जो पैर छू रहा था, कई औरतों के पैर छूए इसने, लेकिन कुछ नहीं, दिमाग की कमी है और कुछ नहीं है। कभी कभी गाड़ी लेके इधर उधर भागता फिरता है, पैर छू के भाग जाता है। नहीं, सब कुछ ठीक है, थोड़ा एक फ्यूज उड़ा है। ओहो, बात करने दे, बात करने दे तो करने देने, मैं जाऊं फिर? तुम ना घर लाना, बैटरी अच्छी चार्ज होगी। अबे तुम हटो। बेटा, इसकी बात का बुरा ना मानना, इसको कायदे से डील कर लेना। और कैसे समझाऊं इसको मैं? कायदे से इसको डील कर लेना। और अगर कोई बात में इसकी कमी, कैसे बताएं बहू है यार। अरे पप्पा, हाँ साफ साफ बताओ, जो तू अम्मा के साथ कर रहा हो बता रहा। अब ये बात मैं इससे नहीं कह सकता, बहू है बेटा तुम तो हमसे बताओ। देखो, अब वही तो बता रहे थे तुमको, पहले बहुरी तुम अंदर जाओ, अंदर स्विच पे जाओ, वहां बैठो। हैं, समझ ले रही है? समझ लेगी, मैं बता रहा हूँ। अपना बताओ, समझ ले। अरे सुन तो ले कमबख्त, पहले जाना और धीरे से उसका घूंघट उठाना है। हैं, और घूंघट उठा के कहना तुम बड़ी खूबसूरत हो। तुम बड़ी खूबसूरत? अबे उससे नहीं, उससे कहना है, कहना तुम बड़ी खूबसूरत हो। हैं, और उसके बाद में उसका हाथ पकड़ना है ऐसे। हाँ, हाथ, अबे सुन तो ले पहले, उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचना और धीरे से उसको मसकना ना। बस फिर क्या करें? अरे फिर क्या करेगा, वही करना जो हमने तेरी अम्मा के साथ किया था। अबे ये बुढ़ा अम्मा के साथ क्या करे होगा, हम जाए कुश्ती लड़ जा सारे। हटो, कबड्डी 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 कबड्डी। मैं लूट के बर्बाद होगी, वो तो ऐसे है। वो ऐसा है? अरे ये क्या कर, तुम अंदर जाओ। हाय, जिसका मुझे डर था वही हो गया। बताओ, बहू कह रही है कि मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई, वो तो ऐसा है। अरे वो ये तो गई छोड़ के। अरे ये क्या किया तूने? क्या किया है? क्या किया? वो क्या क्या कह गई है बहू? क्या कह गई? गई अपने मायके। जान दो, जो कह रही है मैं बर्बाद हो गई, मैं लूट गई, वो किसी काम का नहीं है। अच्छा, हाँ? वो बर्बाद हो गई, आबाद हो गए। कितनी मुश्किलों से मैंने तेरी शादी कराई, क्या क्या अरमान देखे थे मैंने तेरे लिए, कि मैं दादा बनूंगा और तू दवा खराब किसी काबिल नहीं रहा। आप थू। अच्छा थू। अब मैं जा रही हूँ अपने माइक के, अब मैं नहीं आऊंगी। मेरी जान कहाँ जा रही हो? अरे मेरी जान मजा छोड़ो। अरे मजा, ओए ओए मजा। अबे माँ तो कुछ ना हुआ, यहाँ गाँव फाड़ लेगा तू, धनुष तोड़ दूंगा। अबे जा, माँ तो कुछ कर ना सके, यहाँ उखाड़ने पे लगे हो,
मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। अबे तुझसे अच्छा तो मैं हूँ। हाँ सही बात। अभी भी चार औरतें हैं। सही बात। हाँ सारे भूखों मर रही। तो क्या हुआ, काम तो कर रही है हमारा। अब तो कोई दूसरी शादी भी नहीं हो सकती इसकी। मैं तो अब जाऊंगा नहीं। क्या कर, पहले कहता ब्यासे हैं, हम करासे हैं, हम फलाना हैं, हम धमाके हैं। अब बताओ बहू हमारे मुंह पे ही ये कह गई कि वो तो किसी काम के नहीं है। ये साला, इसकी बचपने से गंदी हरकतें रही, रामलीला वालों के साथ में रह गई, ये बिल्कुल बिगड़ गया, बिल्कुल बिगड़ गया।